नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था हिंदी व्याकरण का पाठ विशेषण। आज उसी की बुक एक्सरसाइज को एंड कॉपी पार्ट को करेंगे। बुक एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहला हमें दे रखा है कि नीचे लिखे विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण हमें बता दिया, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, यानी कि हमें विलोम शब्द ही लिखने हैं। नीचा ऊंचा, कोमल कठोर, आसान कठिन, सॉरी यहाँ पे आप आसान का क्या लिखोगे, कठिन। नई पुरानी, मीठा खट्टा, साधारण असाधारण। उसी तरह आगे देखते हैं हम, आगे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से जो विशेषण आपको अपनी माँ के लिए सही लगते हैं उनमें से किन्हीं दो का प्रयोग करके वाक्य बनाना है आपको। जैसे इसमें से कोई भी चूज कर लोगे आप, उस पर आपको दो वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया है, मेरी माँ सुंदर है, वह साहसी महिला है, यानी कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पूरी हिम्मत के साथ वो हर काम को करती है। आगे बढ़ते हैं हम बुक एक्सरसाइज में, गोले में सही विशेषण शब्दों को चुनकर हमें चित्रों के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया महल, तो हम गोले में से चूज करेंगे बड़ा महल। तितलियां, कैसी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां। हाथी, कैसा हाथी, विशाल हाथी। संतरे, कितने संतरे, दर्जन। लड़की, नटखट लड़की। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्पों पे हमें टिक का चिन्ह लगाना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं, किसकी बताते हैं, संज्ञा शब्दों की, सर्नाम शब्दों की, या संज्ञा और सर्नाम दोनों शब्दों की। तो कौन सा सही है, ग, संज्ञा और सर्नाम दोनों शब्दों की। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेष्य। मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों की विशेषता बताई, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि राम एक अच्छा लड़का है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, तो राम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आगे देखा है, विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से मिलान कीजिए। परिश्रमी, किसान, 4 मीटर, कपड़ा, बड़ा मकान, हमने इसको इससे मिलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कॉपी पार्ट में हमें क्या करना है। कॉपी पार्ट में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण की परिभाषा दीजिए। आपको परिभाषा लिखनी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वो संज्ञा की भी विशेषता बता सकते हैं और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम लिखेंगे, विशाल, बड़ा, मीठा, दो, मोटा, कैसा और कितना का उत्तर मिलता है हमें विशेषण में, इसीलिए हमने ये शब्द उदाहरण के तौर पे लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण हमें लिखने हैं। नीचा, ऊंचा, कोमल, कठोर, आसान, यानी कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, सरल, तो सॉरी इसे भी हम ठीक करेंगे, आसान का क्या हो जाएगा, कठिन। नई पुरानी, मीठा खट्टा, साधारण विशेष। प्रश्न 4 है, विशेषण शब्दों का विशेष शब्दों से मिलान कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिश्रमी का किसान, 4 मीटर, कपड़ा, बड़ा मकान, इसको इससे मिलान कर दिया है। ये बच्चों हो गई है हमारी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट। अब आप सबको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको अपनी कॉपी में और बुक में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये अध्याय जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।